स्मॉल कैप रडार में ये जो खबर ही सुबह से जो फ्लोट हो रही है उसमें मुंबई में एफएसआई बढ़ने की बात है, यानी कि फ्लोर स्पेस इंडेक्स बीएमसी ने 1.33 से बढ़ाकर 2 करने का प्रस्ताव दिया, और जो मुंबई बेस्ड रियल्टी प्लेयर्स हैं जैसे कि एचडीएल 4% की तेजी, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 7% की तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं, ये स्टॉक्स तो तेज हैं। एक और शेयर पेनिनसुला लैंड, इसमें जबरदस्त तेजी, और ये स्टॉक डबल डिजिट रिटर्न्स आज इंट्राडे बेसिस पे दे गया है, बहुत स्ट्रांगली ग्रिप में। कुछ और शेयर्स, डायमंड पार, बार बार शो में शेयर का जिक्र हो रहा है, एक हफ्ते में पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस इनफैक्ट 60% का रिटर्न कंट्रीब्यूट कर चुका है, बहुत स्ट्रांगली रिटर्न्स पिछले एक हफ्ते में स्टॉक ने दिया। एमईपी इंफ्रा खबर जुड़ी थी कि 826 करोड़ का ऑर्डर मिला कंपनी को, उसके चलते चल गया रिको ऑटो, इसमें एक खबर थी कि चेन्नई में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया प्लांट से, उसका एक इंपैक्ट पॉजिटिव सेटअप आज के सत्र में। शुरुआत ऐसे में इसुजू की बहुत बेहतर हुई है, यहां पर भी इसुजू मोटर्स ने आंध्र प्रदेश में नई इकाई शुरू की है जिसमें लगभग 3000 करोड़ रुपए का खर्चा किया है। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आज ब्रोकर्स के रडार पर कारोबार शुरुआत करते हैं, और बैंकिंग स्टॉक्स में जे एंड के बैंक जैसे स्टॉक्स और कई बैंकिंग स्टॉक्स पे आज पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मेरे साथ कुणाल बोथरा साहब इसमें जुड़े, कुणाल जी बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो ये जो मैं 8000 के लेवल की बात कर रहा हूँ निफ्टी पे, एक स्टिफ रेजिस्टेंस मानते हैं या फिर कभी भी टूट सकता है और पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेडिंग करनी चाहिए? जी ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव बायस के साथ ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। सेक्टोरली स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा है, आपने राइटली बोला कि बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अगर हम पूरे मंथ की बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी बेंचमार्क निफ्टी को काफ़ी अच्छे तरीके से आउट परफॉर्म किया है। काफ़ी सारे लार्ज कैप स्टॉक्स है जो इस लास्ट कपल ऑफ वीक्स में बहुत अच्छे स्विंग ब्रेकआउट से उभर के आए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि मिक्सचर काफ़ी बढ़िया है, मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है, और जितना हम 8000 के आसपास ट्रेड कर रहे लास्ट कुछ एक दिनों में तो आशंका उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि 8000 कभी भी ब्रेक कर सके। तो मेरे अनुमान से इतनी मोमेंटम अभी भी स्ट्रांग है, पोजिशंस को होल्ड करना चाहिए, आई थिंक 8000 कुड बी ब्रोकन एनी टाइम। राइट, मैं आपसे काउंटर स्पेसिफिक चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि हम व्यूज के लिए शेयर आइडेंटिफाई कर रहे हैं शो में, ये हमारा मुख्य ऑब्जेक्टिव है कि बाजार खुलते ही कुछ ऐसे ट्रेड्स बताए जाएं जो अच्छा पैसा दे के नजर आए। इनफैक्ट हम ब्रोकिंग हाउसेस के पिक्स भी बताते हैं। अंचल मेरे सहयोगी आज जुड़े मेरे साथ, लेकिन कल जो अंचल ने बताए थे वो थे ब्लिस जीवीएस और शिल्पी केबल्स। अंचल दोनों ही स्टॉक्स, शिल्पी केबल तो कल ही चल पड़ा और ब्लिस जीवीएस आज 9% की तेजी के साथ दिन के उच्चतम स्तर पे, एक ऐसा शेयर बताएं जो आज ब्रोकिंग हाउस रडार पर रह सकता है। बिल्कुल, देखिए दोनों ही शेयरों ने परफॉर्म अच्छा किया। आज के लिए सबसे पहला शेयर वो रहेगा नाहर स्पिनिंग का, ये काउंटर है जिसमें नजर रखिए और एक अच्छा रिटर्न देता हुआ दिखेगा ये आपको आने वाले दिनों में। काफी सारे ट्रिगर हैं इसके पीछे, सबसे पहले तो कंपनी ऑलरेडी जो शेयर है वो बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है, अपने हाई से करीब 34% नीचे, तो एक अच्छी अपसाइड होल्ड करता है। साथ ही जो नतीजे रहे थे Q3 के रोबस्ट रहे थे, मार्जिन में तेजी रही थी, और ऐसा अनुमान है कि जो मोमेंटम है कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखेगा, Q4 में भी एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स कंपनी पोस्ट करती हुई दिखेगी। वैल्यूएशन फ्रंट की बात करते हैं, कैश ईपीएस कंपनी की मौजूदा करीब 41.8 रुपीज की है, एक अच्छी कैश ईपीएस होल्ड करता है, लगातार डिविडेंड दिया है अपने निवेशकों को। साथ ही अगर आप इसको सेक्टर से कंपेयर करें तो बेहद सस्ते दरों पर अवेलेबल है। इंडस्ट्री का, जिस इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कामकाज करती है कंपनी, उसका पी करीब 30.8 टाइम्स का है, जबकि शेयर का पी 4.8 का है, यानी बेहद सस्ते दरों पे एक सस्ते वैल्यूएशन पे शेयर अवेलेबल है। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि क्रिसिल ने इस शेयर को एक निवेश के लिए एक अच्छा ऑल्टरनेटिव माना है, और फेयर वैल्यू के तौर पर उन्होंने 125 रुपये का लक्ष्य दिया। चलिए 125 रुपए, यहाँ से अपसेट पोटेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अभी 3% ऊपर दिन के उच्चतम स्तर पे ट्रेड कर रहा है 110 रुपए के आसपास। एक और शेयर अंचल जो ब्रोकिंग हाउस रडार पर है, और दूसरा शेयर जो है वो GIC हाउसिंग फाइनेंस का है। देखिए हाउसिंग फाइनेंस में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें बढ़ती हुई दिखी, ऐसा माना जा रहा है कि इस बारी के नंबर हाउसिंग फाइनेंस के काफ़ी अच्छे रहेंगे, और कहीं ना कहीं GIC हाउसिंग फाइनेंस पूरे सेक्टर को आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। अगर आप मार्जिन की बात करें, NIMs पिछले 3 सालों से इन्होंने अपने मार्जिन को मेंटेन करा हुआ है, और इस बारी भी मार्जिन में जो मजबूती है वो कायम रहने के अनुमान है। अफोर्डेबल हाउसिंग के चलते कंपनी का जो लोन बेस है, स्पेशली इंडिविजुअल हाउसिंग लोन बेस, वो बढ़ता हुआ दिखेगा, और कहीं ना कहीं लोन बुक एक्सपैंड होती हुई दिखेगी, उसका फायदा भी मिलेगा। क्योंकि ये छोटे लोन्स में है तो इनके ऊपर एसेट क्वालिटी की उतनी चिंताएं नहीं होती, NPS की उतनी टेंशन नहीं है, प्रोविजनिंग की उतनी दिक्कतें नहीं है, वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कंपनी के लिए। अच्छा, मार्केट शेयर की बात कर लेते हैं रजत, FY 12 से FY 15 के बीच में कंपनी ने अपना मार्केट शेयर धीरे 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 0.15% बढ़ाया, लेकिन अगर आप FY 16 की बात करें, पहली 3 तिमाहियों के अंदर ही कंपनी ने अपने मार्केट शेयर को 0.2% बढ़ा लिया, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कंपनी का मार्केट शेयर एक्सपैंड कर रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा GIC हाउसिंग फाइनेंस के लिए।
अगर इनकी वैल्यूएशन की बात करें तो अभी मौजूदा कैश ईपीएस करीब 20 रुपए की है, वहीं अगर आप एफआई 18 की अनुमानित ईपीएस की बात करें तो 29.7 रुपीस की अनुमानित ईपीएस है और पी मल्टीपल 7 के मल्टीपल ट्रेड होता दिखेगा। तो यानी बेहद सस्ते वैल्यूएशन में शेयर है और कहीं ना यही कारण है कि इंडिया निवेश मानता है एक अच्छा शेयर है खरीदारी के लिए। नतीजों से पहले आप खरीदे, कल इसके नतीजे आने हैं और एक अच्छा रिटर्न आने वाले समय में दे सकता है। टारगेट इंडिया निवेश जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस में 275 का दे रहे हैं। चलिए कल नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले 2.5% की तेजी ऑलरेडी बिल्डअप हो चुकी है और ये शेयर एक्टिव हो चुके हैं, इसको अपने ध्यान में रखेंगे। कल नतीजे आने वाले हैं, फिलहाल 265 पे कारोबार कर रहा है, लेकिन जो ब्रोकिंग हाउसेस रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव है इस काउंटर पर, आप इसको अपने रडार पर रख सकते हैं। जीआईसी हाउसिंग और नहार स्पिनिंग, दो शेयर जो आज बताए गए। बहुत शुक्रिया अंचल मेरे साथ जुड़ने के लिए। कुणाल, मैं आपके पास आता हूं और सबसे पहले शुरुआत में रियल्टी स्टॉक से ही करूंगा। अच्छी तेजी में डीबी रियल्टी जैसे स्टॉक्स, पेनिनसुला लैंड, एचडीआईएल, कोई स्ट्रक्चर जो आप अभी भी समझते हैं यहां से और एक्टिव हो सकता है? जी आई थिंक यू नो काफी सारे स्टॉक्स है जो अपने 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। कुछ एक स्टॉक्स है जो आज के मोमेंटम के बाद शायद 200 डीएमए के आसपास नजर आएंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, सेक्टोरली काफी अच्छा है। अजमेरा रियल्टी एक स्टॉक है जो आई थिंक स्ट्रक्चरली अप ट्रेंड में बनता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट कुछ एक क्वार्टर्स में एक लॉन्गर टर्म चार्ट्स में एक हायर हाईज एंड हायर लोज का पैटर्न बना है। एचडीआईएल आज के ब्रेकआउट के बाद एक बड़ा मूव का सिग्नल कर रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि एचडीआईएल में शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी आई थिंक 94-95 का एक लक्ष्य बन सकता है। और अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करे कपल ऑफ वीक्स तो आई थिंक ट्रिपल डिजिट मूव भी आ सकता है स्टॉक में। इन दी अदर नेम्स आई थिंक पेनिनसुला लैंड का मूव भी काफ़ी अच्छा है, आज 200 डीएमए ऑलमोस्ट ब्रेक कर चुका है, मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आज, तो मुझे ऐसा लग रहा है उसमें भी बाइंग या खरीदारी की जा सकती है। राइट, इनफैक्ट काफ़ी समय बाद ही सस्टेनेबल मूव दे रहे हैं और ये बहुत बेहतर है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। इतने शार्प रिटर्न्स बहुत समय से ड्यू थे और वो हुआ पेनिनसुला लैंड। अनंतराज इंडस्ट्रीज एक और स्टॉक जो एकदम से ब्रोकिंग हाउस रडार पर, आज सभी रियलिटी प्लेयर्स जो हैं उनके स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को। ब्लिस जीवीएस जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, कल इसी शो में बताया गया था ये स्टॉक एक्टिव होगा और आज 10% चल चुका है। बॉटम फिशिंग की है ट्रेडर्स ने, लेकिन टेक्निकल सेटअप जिन लेवल से चढ़ा है आज, क्या आप देखते हैं कुणाल कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जिससे पलटा हो ये पर्टिकुलर स्टॉक? जी आई थिंक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट पे टर्न कर रहा है। आई थिंक 115-118 के आसपास का एक सपोर्ट जोन है, वहां से आई थिंक ये स्टॉक इवन दो ऑन एन इंटरडे बेसिस या डेली बेसिस के हिसाब से क्लोज किया, बट वीकली में ये भी एक बुलिश हैमर बना रहा है। तो अगर आज और कल अगर ये 120 या उसके उस लेवल के ऊपर क्लोज करे तो आई थिंक ये बुलिश हैमर कन्फर्मेशन हो जाएगा, बहुत बड़ा रिवर्सल आ सकता है अगर ये वीकली पैटर्न अगर सक्सेसफुल हो जाए तो स्टॉक 140-145 भी दिखा सकता है आने वाले कुछ एक हफ्तों में। तो आई थिंक ये इंटरेस्टिंग स्टॉक है, इंटरेस्टिंग चार्ट 115 के आसपास का सपोर्ट है, अगर वो सपोर्ट वीकली बेसिस पे ब्रेक ना करे तो मेरे अनुमान से आई थिंक कॉन्ट्रेरियन लॉन्ग कर सकते हैं स्टॉक में। एसएमएल सुजू पे क्या करें, आंध्र प्रदेश में नई इकाई शुरू करी सुजू मोटर्स ने 3,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ, 5% शेयर ऊपर है, क्या करना चाहिए? आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक है बिकॉज नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ प्राइस पैटर्न्स बट आई थिंक वॉल्यूम्स में भी देखे तो लास्ट दो महीने में मार्च और अप्रैल में जब से पूरा मार्केट और ऑटो सेक्टर ऑटो कंपनीज एक्सेट्रा सारा सेक्टर मूव किया है तब से इस स्टॉक में वॉल्यूम ज़्यादा, वॉल्यूम्स की एक्टिविटी काफ़ी बढ़िया बढ़ गई है। स्टॉक्स एक स्लो एंड स्टेडी अप ट्रेंड में है बट मुझे ऐसा लग रहा है अगर वॉल्यूम्स बैक कर रहे हैं इस पूरे मोमेंटम में तो एक बहुत बड़ा फियर्स मूव भी आ सकता है स्टॉक में। तो मैं तो पर्टिकुलरली बहुत बुलिश हूँ ऐसे मेरे सुजू में, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ एक हफ्तों में शायद स्टॉक 1100 से 1200 के बीच का एक टारगेट रेंज है वो अचीव कर सकता है। चलिए कुछ और स्टॉक्स पे बात कर लेते हैं। इनफैक्ट नतीजे जो आज बाजार में बात कर रहा था दो ट्रैक करेगा क्लोजली वो है सीमेंट पैक में ACC और अंबुजा सीमेंट। मेरे सहयोगी संदीप मेरे साथ जुड़े हैं, संदीप बताएं नतीजे कैसे रह सकते हैं, क्या कुछ बेहतर प्ले होगा यहाँ पर, प्रॉफिट में इजाफा देखने को मिल सकता है गोइंग फॉरवर्ड दोनों कंपनियों के? शुक्र है, दोनों कंपनियों की जहाँ तक बात है तो Q1 CY16 के नंबर से कंपनियां रिपोर्ट करेंगी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों कंपनियों की अगर आप सेल्स को छोड़ें तो बाकी सभी पैरामीटर्स पे एक डेंट देखने को मिल सकता है। सबसे पहले ACC की बात करते हैं जहाँ पे ज्यादा डेंट देखने को मिलेगा। सेल्स की जहाँ तक बात है जैसे मैंने कहा यहाँ पे करीब 3.5% के आसपास का बढ़त आएगी क्योंकि जो डिस्पैचेस हैं इनके सीक्वेंशली उसमें करीब 5% के आसपास की बढ़त आएगी। वॉल्यूम ग्रोथ करीब 7 से 8% के आसपास देखने को मिलेगी लेकिन जो रिलेशन है उसके ऊपर प्रेशर देखने को मिलेगा, 5% के आसपास की गिरावट यहाँ देखने को मिलेगी क्योंकि साउथ इंडिया में ज्यादा जो सीमेंट के जो
डोमिनेंस है वो ज्यादा है, वहां पे जो कीमतें वहां पे गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि ये दोनों कंपनियां नॉर्थ इंडिया बेस्ड है और वहां पे जो कीमतें हैं वो इनफैक्ट फेब लास्ट या तो फिर मार्च की स्टार्टिंग में बढ़ना शुरू हुई थी, जिसका इंपैक्ट अगले क्वार्टर में देखने को मिलेगा। तो उस लिहाज से बावजूद इसके कि वॉल्यूम्स बढ़े हैं, सेल्स बढ़ी है, लेकिन जो एबिटडा है उसके ऊपर प्रेशर देखने को मिलेगा, रिलेशन पे प्रेशर आया, उसके साथ साथ इनके जो मार्जिन प्रोफाइल है उसके ऊपर एक प्रेशर देखने को मिलेगा। इनके जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो बढ़ी है और इन्होंने एक एड कैंपेन लॉन्च किया था कुछ महीने पहले बोल्ड एंड ब्यूटीफुल के नाम से, उस वजह से इनके जो एड एक्सपेंसेस है उसमें एक बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से एबिट में करीब 16% के आसपास का डेंट आएगा और जो मार्जिन है वो करीब 3% गिरकर 12.2% के आसपास के देखने को मिल सकते हैं। तो जिस तरह से इनके खर्चे बढ़ रहे हैं मार्जिन प्रोफाइल में वीकनेस देखने को मिलेगी, इस वजह से मुनाफे में करीब 14.5% के आसपास का डेंट आएगा और 202 करोड़ रुपए के आसपास के जो प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट के नंबर्स हैं वो ईसीसी की ओर से देखने को मिल सकते हैं। अंबुजा सीमेंट में भी कमोबेश ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी, हालांकि जो प्रेशर है ईसीसी के मुकाबले थोड़ा कम नजर आएगा, जो बिक्री है वो करीब 2.5% के आसपास का इजाफा दिखाएगी, इनके डिस्पैचेस में करीब 6% के आसपास की बढ़त आएगी, वॉल्यूम ग्रोथ करीब 5-6% देखने को मिल सकती है ऊपर की ओर, रिलेशन पे करीब 3% के आसपास का प्रेशर आएगा। वजह वही है सीमेंट के जो प्राइस में करेक्शन हुआ है और जो हाइक हुआ है वो शायद अगले क्वार्टर में देखने को मिले, जिसकी वजह से इस बार इनके जो एबिट है उसमें करीब 2% के आसपास की गिरावट आएगी, मार्जिन में करीब 1.25% के आसपास की कमजोरी आएगी और 17.5% के आसपास के देखने को मिल सकते हैं। और जिस तरह से मार्जिन प्रोफाइल वीक हो रहा है, इनका भी एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ रही है, प्लांट कॉस्ट में इजाफा हुआ है, इसके वजह से इनके जो मुनाफा है उसमें करीब 12% के आसपास का डेंट आएगा और 280 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर ये कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। दोनों कंपनी के जो बिडा पर टन है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी और ओवरऑल देखा जाए एसीसी के नंबर्स पर ज्यादा वीकनेस दिखेगी देखने को मिलेगी, ओवरऑल देखा जाए तो दोनों कंपनी शायद डिसअपॉइंट कर सकती है प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पर। चलिए बॉटम लाइन फ्रंट पे दोनों कंपनियां जो है वो डिसअपॉइंट कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया संदीप मेरे साथ जुड़ने के लिए। बॉटम लाइन इफेक्ट होगी आपका एक टेक एसीसी अंबुजा जिनके पास अभी शेयर है सर, वो क्या सपोर्ट एक लेवल अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए चार्ट पे कुणाल जी? जी आई थिंक एसीसी का सपोर्ट 1400 के आसपास है, जो पुराना आई थिंक 3 या 4 डेज बैक एक सपोर्ट को टेस्ट करके वो स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस से वापस बाउंस किया था, तो आई थिंक वो एक सपोर्ट काफी स्ट्रांग रहेगा। अंबुजा सीमेंट में मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने शायद एक लोअर लो लोअर हाइस का एक शॉर्ट टर्म पैटर्न बनाया है, अगर ये 235 ब्रेक ना करे आने वाले दिनों में तो आई थिंक चांस हो सकता है कि शायद ये स्टॉक में सेलिंग दिखे, 220-218 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट भी बन सकता है। आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं मार्केट पे 8000 के लेवल के बेहद करीब कामकाज कर रहे हैं, कोई दो स्टॉक्स जो आपके रडार पर हैं सर अभी? जी जो दो स्टॉक जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से कर सकते हैं मिड कैप सिनेरियो में, आई थिंक पहला रहेगा बायोन आइनॉक्स विंड, एक स्विंग चार्ट स्विंग ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आ रहा है, बॉलिंगर बैंड्स में भी काफी बढ़िया मूव लग रहा है, स्टॉक 280 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में 292-294 का एक टारगेट रख सकते हैं, इसमें 272 का स्टॉप लॉस रहेगा। सेकेंड स्टॉक जेट एवेज है, आई थिंक पूरा एविएशन पैक काफी स्ट्रॉन्ग मूव कर रहा है, जेट एवेज भी अपने ऑलमोस्ट 4 या 5 मंथ हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ब्रेकआउट वॉल्यूम्स के साथ अगर हो जाए तो आई थिंक ये स्टॉक में भी मोमेंटम बन सकता है, इसमें हमारा लक्ष्य रहेगा 666 का ट्रेडिंग के लिहाज से और स्टॉप लॉस रहेगा 634 का। चलिए बहुत शुक्रिया कुणाल जी आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और ये ट्रेडिंग आइडियाज और स्टॉक मार्केट पर डिस्कशन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आईपीओ मार्केट में हलचल है और जीवन फाइनेंशियल का आईपीओ आज से खुल गया, और ये बता दूं कि प्राइस बैंड जो रखा गया वो 207 से 210 रुपए 2 मई तक ये आईपीओ जो ये खुला रहेगा, 4.2 करोड़ शेयर्स का कुल इश्यू है और इनफैक्ट जो भी ब्रोकिंग हाउसेस रेडार पे है ये शेयर, ये लगातार सब्सक्रिप्शन की सलाह जो है वो इसमें है, केआर चोकसी एंटीक जीपीएल कैपिटल पीएल रिसर्च सभी कह रहे हैं कि यहाँ पर सब्सक्राइब किया जा सकता है, एक बेहतर प्ले है। और थायरो केयर जो आईपीओ अभी चल रहा है वो लगभग 56% ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है।